Doctor, she is newly married and got pregnant, but she doesn't want this child. Oh, if you want an abortion, you can come tomorrow if you like. But are you sure? To kill your first child is not a good thing. You can still make up your mind. Well, doctor, she doesn't get along with her husband. So she doesn't want this baby. Please try to understand. Okay. Thank you. ये औरत हमारे बच्चे को मार डालना चाहती है। अरे ये औरत थोड़ी राक्षस है, डायन है, भगवान इसको बुद्धि दे। आप अंदर चलिए, हम डॉक्टर से बात करते हैं। Yes, please. Hello, doctor. Namaste. That girl who came just now, Madhu, she's my daughter. Yes. And he is her husband. And she doesn't like him. That's why she wants the baby to be aborted. Why doesn't she like him? Well, he's a simpleton from a village. So and what? And she's the daughter of a rich father from a higher society. So, you know, there is always a... एक मिनट, हम समझाते हैं। नमस्कार, आई गोपी, इंडिया से सिंगापुर तक कमिंग। हमारी वाइफ टेक बैक है नाउ। हमारी वाइफ इज आई लव एंड वाइफ लव, वो भी हमको प्यार करती है। यस, हाँ। माय सासू जी प्रॉब्लम है, शी वॉन्ट्स टू किल माई बेबी। आई गोपी वाराणसी, इज्जत रिस्पेक्ट डाई है। इफ यू सेव माई चाइल्ड, गॉड विल ब्लेस योर चाइल्ड है। आई नो वॉन्ट किलिंग, भगवान के लिए बोलिए ना आप। You understand what he means? I can see from his face what he means. Don't worry, my friend. I won't allow the abortion. बहुत 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 एहसान आपका। You see, nowadays बहुत ज्यादा गरीबी, lot of public poverty, problem बहुत कुछ। हमको कोई problem नहीं है। हाँ, I am big land, respect, everything village में। चलना बस, हाँ, हो गया। वो समझ गई, हाँ, बच्चा नहीं गिराएगी, हाँ, बच्चा बच जाएगा। हाँ, हाँ, अंग्रेजों के सामने क्या हिंदी बोलेगा? हाँ, नहीं नहीं, thank you। God will bless your child also। अच्छा जी, जय हिंद। Thank you। हाँ, धन्यवाद। वो कमीना हॉस्पिटल तक पहुंच गया। न जाने उसने डॉक्टर को क्या पट्टी पढ़ाई, डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। इस कमबख्त से कब छुटकारा मिलेगा? Don't worry, just cool it down. मैं आपको छुटकारा दिलाऊंगा। कैसे, क्या करोगे तुम? मैं उसकी ऐसी हालत बनाऊंगा कि वो टिकट कटाएगा कोई बनारस का, and he will never ever come back to Singapore. ये कौन दुष्ट आत्मा है जो हमें कष्ट दे रही है? आओ प्यारे मोहन, हम तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आते। क्यों राजा? क्योंकि फिर तुम आराम से बनारस में जाके पूजा पाठ कर सकोगे। लेकिन बगैर मधुबालों को लिए हम सिंगापुर से नहीं जाएंगे यार। तो फिर हम तुम्हें सिंगापुर दिखाते हैं। यह है सिंगापुर की फुटपाथ, कैसी लगी? यू, ये देख, 50 माले की बिल्डिंग, कैसी लगी? किधर है यू? अबे क्या कर रहा है बे, लग रहा है बे। ये देख, डिपार्टमेंटल स्टोर, सामान की इतनी बड़ी दुकान है इंडिया में। अबे नहीं है यार। अरे बाप रे बाप, अरे ये भी देख यार। अरे काय को देखे यार, हावड़ा ब्रिज से छोटा है वो। झूम, एक मिनट, तुमने हमको काफी सिंगापुर दिखा दिया, अब हम तुमको इंडिया दिखाएगा। तुम यहाँ इंडिया कैसे दिखाएगा, यू इडियट? That is my headache, you bloody idiot. You bloody talk in English, huh? Yes, I can talk English when it is necessary. अरे ये काला तुम्हारे साथ है? अरे इसकी जात हमारे, चल रे बाजार छोड़ दिया।
चल रे माझा थोंडिया नीट सर उभा रहा नक्का ना खाले वाजवेन तो गड़बड़ करू नको निजाड़िया गड़बड़ करू नको 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 दिल भर के लिए दिलदार है हम दुश्मन के लिए तलवार है हम मैदान में अगर हम डट जाएं मुश्किल है कि पीछे हट जाएं आपकी जबान में इसे बिलो द बेल्ट कहते हैं सर हमें जिंदा देखकर तेरी नानी मर गई होगी ना रे ये जिंदा वापस कैसे आ गया मालूम नहीं कैसे आ गया हमें मारने के लिए टटपुंजी गुंडे भेजे थे का समझ कर कि गोपी कौन हलवा है जिसको मुंह में डालोगे घचाक से पेट में चला जाएगा अरे हमने गंगा घाट का पानी पिया है हमें कोई नहीं मार सकता और अगर कोई मार सकता है तो केवल एक आदमी खुद गोपी अरे नहीं गोपी बेटा बात सुनो मेरी हाँ बोलने सुनने के लिए बचा कहा है अरे तुम सभी तो हमारे मरने की कामना कर रहे हो ना सास हमारी ना ससुर अपना ना वो मधु हमारी अरे हम तो उसी दिन मर गए थे जब हमारी पत्नी ने हमें पति मानने से इनकार कर दिया था एंड आई इट इज नाउ आई डोंट फील लाइक लिविंग तो सोच रहा हूं कि जब मैं मर रहा हूं तो तुम लोगों को भी क्यों ना मार के मरूं मगर फिर सोचता हूं कि जाने दो ये ठीक है ना अकेला ही चला जाता हूं इसीलिए है भगवान आई एम कमिंग जय श्री राम हम जा रहे हैं बुढ़हीन मगर इतनी खुश मत हो हमारी आत्मा भूत बनकर तुम्हारे आस पास मंडराएगी ये तो सचमुच मर गया ये नहीं मरा हम लोग मर गए आपको सोचना क्या सोचूं अब तो डायरेक्ट फांसी है तुमको सिंगापुर में फांसी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है देखो कुछ करो तुम मेरे अच्छे पति हो ना पति तुमको आज याद है कि मैं तुम्हारा पति हूँ मर्डर करने के बाद अच्छा अच्छा देखो मैं कोशिश करता हूँ मैं इसकी लाश को डिक्की में डाल के कोई भी ठिकाने पे लगाने की कोशिश करता हूँ तुम मेरी मदद करो मगर दोबारा ऐसा नहीं करना बहुत हो गया तुम्हारा बचना तो मुश्किल है पुलिस पकड़े तो मेरा नाम मत लेना मैंने क्या किया है मगर ये सचमुच मर गया है नहीं वो आखिरी सांस ले रहा था ना तो फड़फड़ा रहा था जल्दी से यहाँ से हटाओ ना इसे हटाओ अच्छा जल्दी हटाओ ना हटाता हूँ तुम हटो अरे थोड़ी मदद करो ना कमाल के उतार के लाश की टांग नहीं टूट जावे मैं चलता हूँ वो बहुत डर गई है कहीं घबराहट के मारे उसको हार्ट अटैक नहीं आ जावे क्या करता है यार क्या हुआ मैंने उसकी लाश को इतनी ऊंचाई से फेंकवाया है कि अभी तक नीचे नहीं गिरी होगी ओह माय गॉड थैंक यू वेरी मच डोंट मेंशन चलो रात ज्यादा हो चुकी है चल के सो जाएं Oh
हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? भूत बनकर आया है। कौन भूत बनकर आ गया? किधर है? मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुनो मैडम, वो भूत तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, और भूत सिंगापुर में नहीं इंडिया में होते हैं। हाँ, और भूत को सिंगापुर में आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं आ सकता। सो जाओ यार, अब आपका नींद खराब कर। मजे की नींद आ रही थी। अरे किधर है, क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारी आंखें खराब है, कुछ भी नहीं है। तुम आराम से सो जाओ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी। मम्मी कहाँ है वो? कौन? वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? मम्मी कुछ नहीं होगा। घबराने की कोई बात तो नहीं? नथिंग टू वरी, ये टैबलेट्स इनको देते रहिएगा, शी विल बी ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच। आंटी क्या बात है, मुझे बताइए, कौन परेशान कर रहा है आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, 24 घंटे उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है, फिर उसी के सपने भी देखती है। एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से आप ताने देने से बाज नहीं आते। तानों का जवाब देता, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आराम करो। विकी बेटे, मुझे बहुत टेंशन है। अगर तुम्हारी शादी मधु से हो जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। मम्मी प्लीज, तू चुप रह, बोलना। आंटी आप जैसा कहेंगी वैसा होगा, एग्जैक्टली वैसा होगा। मधु बेटी एक ग्लास पानी लिया। विकी मेरा तो कोई बेटा नहीं है, इसलिए बंगला मोटर गाड़ी जायदाद फैक्ट्री सब तेरे नाम कर दूंगी। तू जल्दी से जाके कोर्ट से अपॉइंटमेंट ले ले, 2 दिन में सिविल मैरिज हो जानी चाहिए। अब आंटी आपके आगे तो मैं बोल नहीं सकता ना, अब जैसी आपकी इच्छा। मैंने भी अगर 2 दिन में इनको भिखारी नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी चौबे नहीं। ससुर जी हम लोग कहाँ आ गए? कैसीनो है। ये कैसीनो क्या होता है? जुआ घर, यहाँ जुआ होता है। नहीं 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 नहीं, हमारे को भी जुआ नहीं आता, वो हार जाएंगे। अरे मनु जब तू बोलेगा हम लोग जीत जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे, जब तू बोलेगा हम लोग हार जाएंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। ओ, चलो चलो चलते हैं चाचू। चलो भैया लगाओ यार। अरे ससुर जी आप बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि आप अपनी कार हार गए। तो क्या हुआ, अभी ऑफिस बाकी है। अरे ऑफिस के बाद तो आप एकदम टाइट फिश हो जाएंगे। कोई फिश नहीं होगा, बांटो। हाँ बांटो भाई, बांटो भाई। ये चाचू आप ऑफिस भी हार गए। अरे आज मेरा लक बहुत जोरों पर है, अब तो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। फैक्ट्री लगी भाई। लगा भाई, लगा। नाइस मैन। अरे 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 ये भी गया। चाचू आप फैक्ट्री भी हार गए। अरे तो क्या हुआ, मेरे पास है अभी। हाँ घर बचा है। हाँ अच्छा हुआ याद दिला, घर लगी भाई। घर लगा यार। हार गया, ओ मैं हार गया। तुम कहाँ थे तुम रात भर? भूत, भूत। ये भूत नहीं है, ये यमदूत है। यमदूत? हाँ, हमें धोखा हुआ है। ये मरा नहीं, जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे सर की कसम। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? इनसे कहो कि अभी घर इनका नहीं। माय माय। हाँ बोलता हूँ भाई, बोलता हूँ। ये ठीक कह रहा है लिली, रात को है ना मैं जुए में सब घर जायदाद प्रॉपर्टी से हार चुका हूँ। क्या? हाँ मैं रात को है ना कैसीनो बैठ के पी रहा था, तो अचानक ये मेरे सामने आके बैठ गया। कहने लगा क्या जुआ खेलोगे? मैं डर गया, फिर मैंने इसे टालने के लिए कहा अच्छा ठीक है मैं खेल लेता हूँ। मैं समझा भूत है, जीत भी जाएगा तो मेरे से क्या ले जाएगा। ये सब मुझसे जीता गया जीता गया। जब जीत गया तो बोलता मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। मुझसे सब जीत गया, मैं हार गया। अरे तुम हो, मैं नहीं। मैं अपनी प्रॉपर्टी में से इसे एक फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। ए बड़ो, अपनी बुढ़िया से कहो कि अपना पोटली बिस्तरा उठाकर अपनी बिटिया के साथ आउट। What do you mean? अरे बुढ़िया हमको मालूम है कि तुम बहुत नॉटी हो, इसलिए हम हमारे साथ सिंगापुर का कानून भी लेकर आए हैं। अरे अब मन चला, अरे तनिक नोटिस तो दिखा यार। मैं आया 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 आया। अरे आप भी आइए ना, और बताइए उस बुढ़िया को किस प्रॉपर्टी का मालिक ये नहीं है, मेरा दोस्त गोपी है। अरे बता ना यार। According to the country of the nature of the manipulation of the speculation of the Singapore government, this property belongs to Mr. Gopinath. अरे राम 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 राम, बड़े बेशरम लोग हैं भाई, इतनी बेइज्जती होने के बाद अभी तक यहाँ पर खड़े हैं।
अरे भाई निकली यहाँ से वरना आपको जबरदस्ती धक्का देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं हम पे दया करो, हम आपके इन्हीं चरणों में पड़े रहेंगे। अरे पड़ जाओ ना नीचे। तुम पढ़ो, मैं क्यों पढ़ूं? छोड़ो। अरे कचरे की तरह बाहर फेंक देंगे। अरे निकालो यार। व्हाट हैपेंड मम्मी? तुम्हारे डैडी ने हमें कहीं का नहीं रखा, हमें बर्बाद कर दिया। इस गवार गोपी के हाथों हमारी सारी प्रॉपर्टी हार गए। क्या बोली? माफ कर दो, गलती हो गई, अनजाने में माफ कर दो। अरे जाने दो गोपी भैया, बनारस में कितने भिखारी आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं, इधर सिंगापुर में ये तीन भी पल जाएंगे, बच्चा कुचा इनको डाल लेंगे। मैं इन लोगों को माफ तो कर सकता हूँ अगर इन लोग मेरे हिसाब से रहे तो। बिल्कुल आपके हिसाब से रहेंगे। अरे बैठ जाओ ना, क्यों अपने घर में भिखारी बन के रहना चाहती हो? बैठो, हाथ जोड़ो हाथ। माफ किया। रामू, पीटर, फ्लोरी, सबके सब कहाँ मर गए? ए बुढ़िया, काहे इतना चिचिया रही हो? आए करके सब नौकर कहाँ हैं? मैं तो खुद नौकरी कर रहा हूँ, जवाब दो भाई। नौकर निकाल दिए। निकाल दिए? हाँ निकाल दिए। हमसे सवाल पूछ रही है? हाँ, इनका पोटली बिस्तर उठा के बाहर फेंकी। नहीं नहीं नहीं, हम बताते हैं मालिक क्या है कि ये नींद में है, इसको याद नहीं कि अब ये घर की मालकिन नहीं रही, नौकरानी होगी। क्या करती है? मालिक कहते हैं जब घर में दो मुस्टंडी औरतें हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, मालिक कह रहे हैं, तो फिर नौकरों की क्या जरूरत है? इसलिए तुमको काम करना पड़ेगा। तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं घर का कामकाज नहीं करती। कैसे नहीं करोगी? खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। देखो हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। अच्छा है, झाड़ू लाऊं? मत लाओ, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, समझे? दरवाजा सोच लो। सुनो, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती, अपने आप को समझता क्या है? शीला। हेलो आंटी। अच्छा तुम लोग आ गए, मैं घर छोड़कर तुम्हारे पास ही आ रही थी। घर छोड़कर? बट व्हाई? ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये हमारी सारी जायदाद का वारिस बन बैठा है और हमें हमें सर्वेंटों की तरह ट्रीट करता है। शीला, मैं अपनी इज्जत नहीं गवा सकती। लिली, मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि हम एक महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। What? Let's go. देखा सासू जी, दौलत नहीं रही तो कैसे कन्नी काट रहा है? क्यों बे? तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आने की बे? क्यों बे लप्पू झन्ने, उस दिन की मार भूल गया? चल कान खोल के सुन लो सासू जी, यहाँ आना है तो नौकर बन के रहना पड़ेगा। Shut up! रहेगी रहेगी, जरूर रहेगी, रहेगी ना, है ना, रहेगी ना। मैं और मेरी बेटी इसके नौकर बनकर नहीं रहेंगे, समझे? इसके पोटली बिस्तर बाहर फेंको। क्या है, तुम्हारी बेटी 10 बजे तक सोती रहती है? मैं सब ठीक करता हूँ, ये करेगी, घर का सब काम करेगी, खाना पकाएगी, झाड़ू मारेगी, गटर तक साफ करेगी, है ना? अरे हाँ बोलना, पिटवाएगी क्या? हाँ जोड़ के बोलने बोले। ये समझ ले, मेरा हाथ है तेरा नहीं। हाँ बोल। हाँ बोल। ये हुआ देखकर हाँ क्या बोल रही है? यहाँ देखकर बोलिए। अच्छा ये लो। हाँ कहा बोलिए ना, कितनी अच्छी लग रही है। ये क्या है? ये ऐसे गुस्से से कहा बोल रही है, प्यार से बोलिए। हाँ चलो अपन चल के झाड़ू मारते हैं। चलो हाँ डालो, हाँ डालो डालो डालो, वो भी डालो, लीजिए मालिक, वो भी डालो, वो भी डालो। पानी कहाँ है, जग कहाँ है? पानी अभी 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 कभी। बेटी तू भी खाना खा ले। हमारे खानदान में औरतें पति से पहले खाना नहीं खाती। रफ्ता रफ्ता सीख जाएगी। अरे कभी सीख जाएगी। आप खाना तो खाइए। हाँ खा रहे बाप। खाना किसने बनाया? मैंने नहीं, मधु बेटी ने बनाया है। मधु बेटी ने बनाया। नाचना गाना क्लबों में जाना सब सिखाया है, खाना बनाना नहीं सिखाया? सारा मूड खराब कर दिया। गोपी भैया चलो बाहर जाके खाना खाते हैं, किसी हिंदुस्तानी होटल में। हाँ चलो चलो चलो। हट। भगवान आपका भला करे, लेकिन मुश्किल है। कितने जंगली लोग हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं और तुम कुछ नहीं बोले। हम तो नौकर हैं, मालिक को क्या बोल सकते हैं। चल बैठ। बैठो मत, नहीं तो मालिक डांटेंगे।